अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, एबट न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ आसर खान यूसुफ सिंह। जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया के हालात, बिलोमूम पूरी दुनिया के हालात और बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के हालात COVID-19 की वजह से तमाम मुसलमान परेशान हैं, तमाम दुनिया परेशान है। और ये परेशानी क्यों आती है? सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, फ़कुल तस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, कह लोगो तुम अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, जब तौबा और इस्तिग़फ़ार करोगे इन्नहू काना गफ्फारा, वो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और उसके बाद अल्लाह ताला इनामात क्या करेगा, युरसिल समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से तुम पर बारिश उतार देगा, युरसिल समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की देगा मालो औलाद में, बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात अता करेगा, नहरें अता करेगा। यानी अल्लाह ताला सूरह नूह में हमें यह सबक दे रहे हैं कि जब इंसान तौबा करता है, जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, रब ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जब ऐसे हालात बने हुए हैं कि पूरी दुनिया परेशान है, और इस परेशानी का एक जो हल है वो हल ये है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। जब हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत की नज़र से हमें देखेंगे, और रहमत की नज़र करते हुए अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, फिर पूरी दुनिया के हालात उसी तरह हो जाएंगे जैसा कि इससे पहले थे। और वो हालात जब ठीक होंगे, पूरी दुनिया अमन और सुकून से रहेगी, पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा, पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा। और बिलखसूस ऐसे हालात में जब ये हालात पूरी दुनिया पे आए हुए हैं, इन हालात में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। एक दुआ जो प्यारे आका अलैहि सलातो वसलाम ने सिखाई है, वो दुआ है अल्लाहुम्मा रफा अन्नल बला वल वबा, ऐ अल्लाह हमसे इस वबा और मुसीबत को दूर फरमा। और एक और प्यारी दुआ जो प्यारे आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुज़ाम वल बरस वल जुनून व मिन सय्यिल असकाम, यानी हम अल्लाह ताला से हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। तो वाजिबुल एहतराम सामईन, इन दुआओं का एहतमाम करें, दुआओं के एहतमाम के साथ साथ इस्तिग़फ़ार और तौबा का एहतमाम करें। यही इस वक्त हालात का तकाजा है, यही इस वक्त दीन का तकाजा है, यही इस वक्त पूरी दुनिया में अमन और सुकून का यही तकाजा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।